तो बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने की मांग को लेकर आरजेडी सांसदों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर बिहार की उपेक्षा का आरोप लगाया है। आरजेडी के प्रदर्शन पर एनडीए नेताओं ने जबरदस्त पलटवार भी किया है। केंद्रीय बजट में बिहार पर जिस तरीके से विशेष ध्यान दिया गया उसके बाद लग रहा था कि बिहार को विशेष दर्जे की मांग वाली सियासत थम जाएगी, लेकिन जैसे जैसे अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे विशेष मांग वाली सियासत और रफ्तार पकड़ती जा रही है। शुक्रवार को बिहार को विशेष राज्य के दर्जे देने की मांग को लेकर आरजेडी सांसदों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर बिहार की उपेक्षा के आरोप लगाए कि पीनट्स, बिहार को पीनट्स भी नहीं छिलका मिला। बजट में बिहार को मिले विशेष पैकेज को आरजेडी ने छलावा बताते हुए केंद्र सरकार से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। तो कहीं ना कहीं एक तरह से बिहार की जनता को धोखा दिया गया है। आरजेडी की विशेष सियासत पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। लालू प्रसाद जी की भूमिका मनमोहन सिंह सरकार पार्ट वन में विशेष थी, क्या उस समय उनको विशेष राज्य का दर्जा याद नहीं? अरे आरजेडी के लोग विशेष राज्य की दर्जा की जो बात करते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। मनोज झा जी इस तरह के बयान देकर सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। राजद के लोगों को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। वहीं कांग्रेस ने विशेष दर्जे की मांग पर अभियान शुरू करने की चेतावनी दी है। वो मिलेगा तत्काल तो वो मदद मिली नहीं है, वो 10 साल में मिलेगा, 5 साल में मिलेगा, कब पूरा होगी? तो कहीं ना कहीं एक तरह से बिहार की जनता को धोखा दिया गया है। और विशेष राज्य का दर्जा बिहार का अधिकार है और हक है, और वो हक के लिए किसी भी स्तर पे कांग्रेस पार्टी आंदोलन करने को तैयार है। बिहार को विशेष राज्य की मांग वाली ये सियासत कोई आज की नहीं है। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाती रही है। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राष्ट्रीय जनता दल मजबूत स्थिति में था, लेकिन तब की सरकार ने इस मांग पर ध्यान नहीं दिया। अब जबकि कांग्रेस और आरजेडी विपक्ष में है और बिहार में अगले ही साल चुनाव है, ऐसे में इस मुद्दे को उठाना लाजमी है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए आरजेडी की विशेष राजनीति को समझ लीजिए। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है, यानी कि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है। चुनाव में मुद्दों के आधार पर माहौल बनता है। 2025 में चुनाव है और मुद्दे अभी से आरजेडी बनाने लगी है। राजनीतिक दल अभी से चुनावी माहौल बनाने में जुट गए हैं। चूंकि जेडीयू की ओर से हमेशा बिहार को विशेष राज्य की मांग को की जाती रही है और फिलहाल जेडीयू केंद्र सरकार में बीजेपी की साथी भी है, ऐसे में जो आरजेडी है उसको घर बैठा एक मुद्दा मिल गया है। ऐसे में आरजेडी के नेता पूछ रहे हैं कि जेडीयू के लोग विशेष राज्य की मांग के लिए दबाव क्यों नहीं बना रहे और इसी को लेकर तमाम प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हालांकि बजट के पहले जेडीयू ने विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की मांग की थी। केंद्र सरकार ने बजट में बिहार के कई योजनाओं की घोषणा करके विशेष मांग को पूरा करने की कोशिश भी कर दी। चूंकि आज की तारीख में किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, वो बहुत सारे कानून हैं, नियम है, वो हम पहले भी आपको समझा चुके हैं। ऐसे में मंत्री ने सदन में जवाब देते हुए बताया है कि IMG यानी कि अंतर मंत्रालयी समूह ने इस पर विचार किया था और 30 मार्च 2012 को अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तब कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार ही सत्ता में थी। IMG इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि मौजूदा NDC मानदंडों के आधार पर बिहार के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे का जो मामला है वो पूरा नहीं बनता है और ऐसे में UPA सरकार में ही ये कह दिया गया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता, नहीं दिया जा सकता। लेकिन इस मुद्दे के सहारे चुनाव में माहौल बनाने की तैयारी की जा रही है। अब सवाल है कि बिहार में क्यों नहीं मिल सकता विशेष राज्य का दर्जा? संविधान में विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान नहीं था। 1969 में 5वें वित्त आयोग की सलाह पर पहली बार विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान दिया गया था। 1969 में गार्डगिल फॉर्मूले के आधार पर इसके लिए जो मापदंड तय किए गए थे, विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए 5 मापदंड तय किए गए थे। राज्य का जमीनी इलाका पहाड़ी और दुर्गम हो, राज्य की जनसंख्या कम,
या जनसंख्या का बड़ा हिस्सा आदिवासी समुदाय से हो, राज्य की लोकेशन राजनीतिक तौर पर दूसरे राज्यों की सीमाओं से सटी हो, आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में राज्य पिछड़ा हो, राज्य के वित्त की प्रकृति व्यवहार्य ना हो, यानी पैसे का उपयोग ठीक से ना हो पा रहा हो, इन शर्तों पर आपको विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है, जो ये शर्तें बिहार पूरी नहीं करता है।